पंगा पड़ गया है अभी, बताओ पता नहीं लगा तो बिल्कुल ही चिपक गया। हाँ गर्म कितना रखा है, नहीं ज्यादा हो जाता ज्यादा। अभी हुआ है, अभी निकल रही है हवा। हमारे सेंसर का काम हो गया है, देखो ये सारा टूट गया और यहाँ से साइड से बजा ये टूटा है। 50 किलोमीटर रह गया यहाँ से, वैसे हो सकता है व्यू अच्छा हो लेकिन रात को कभी मत आना। अगर हाईवे मिलेगा तो भाई चूम लेना हाईवे। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त साहिब, मेरे चैनल है साहिब दीक्षित व्लॉग्स, आप देख रहे हो। भाई आज हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। बात कुछ ऐसी है, कुछ टाइम से मेरा प्लान बन रहा था जाने का, रुकते रुकते कुछ चीज़ें लेते हुए बस आज का दिन फाइनल हुआ है और गाड़ी पूरी लोड कर दी है। प्लान था मेरा और मेरे छोटे भाई का जाने का पहाड़ों पर, लेकिन जैसे भैया को पता लगा, मेरे भैया ने बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। पहले मैंने कहा गाड़ी को स्टार्ट कर दें, ठीक है, थोड़ी गर्म होती रहेगी गाड़ी। और भाई जो अभी का प्लान बन रहा है जाने का, फिलहाल हम निकलते हैं जम्मू की तरफ, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। अगर रास्ते में अंधेरा हो गया या धुंध वगैरह ज़्यादा हुई तो हम रुक जाएंगे वहीं से, ठीक है। और कोशिश ये भी करेंगे कि कैंप भी कर लिया जाए और जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर हम होटल भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मस्त सीरीज जाने वाली है। जो नया है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो। और भाई रात को ही एक पंगा हो गया था, मैं जब गाड़ी बैक कर रहा था कोहरा बहुत था तो गेट खुला हुआ था, मैं बैक करके सामान डालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सामान हमने रात को ही डाला है सारा का सारा। यहाँ पर ये पंगा हो गया, देखो बैक लगते ही ये सारा क्रैक टूट गया, सारे सेंसर का काम हो गया है, देखो ये सारा टूट गया और यहाँ से साइड से बजा ये टूटा है, ये भी टूट गया, टेप लगा रखी है भाई ये तो अपने, ये भी गया। रात को ही हुआ, बस रात को ही सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं, चलो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, राधा माधा ने कुछ अच्छे के लिए किया होगा, कुछ बड़ा नुकसान ना हो छोटे नुकसान में कर दिया। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी हम गाड़ी को ठीक करवा लें, बस सेंसर वगैरह सब कुछ गया, बैग भी करवानी है तो भाई गाड़ी में उतर के करना पड़ेगा। ये थोड़ा पंगा पड़ गया, अभी भी सामान कभी निकल रहा है कभी डल रहा है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, देख रहे हो ना, ये ज़रूरी है भाई, अगर बाई चांस कहीं बर्फ़ मिली तो ये बहुत ज़रूरी है। भाई हवा डलवाने के रुके हैं और हम अब पकड़ रहे हैं लुधियाने वाला हाईवे सीधा, उसके बाद फगवाड़ा से होते हुए आगे निकलेंगे। बताता रहूँगा मैं आपको, टाइम टू टाइम देता रहूँगा। बस अब हमारा छोटा तैयार हो गया, अब नॉन स्टॉप जाएगा सीधा। जुदाइयां आज मुड़ियां मार दिया मैंने वे जुदाई, पता नहीं लगा तो बिल्कुल चिपक गया। हाँ गर्म कितना रखा है, नहीं ज़्यादा हो जाता कुछ ज़्यादा देर। अभी हुआ है, अभी निकल रही है हवा, यार पंगा पड़ गया है अभी, बताओ मतलब पहले ही दिन स्टार्टिंग में ही पंगा पड़ गया। रोड पे खड़े हुए यहाँ पे और कोहरा हो रखा है पूरा, फ्लैट हो गया भाई, बिल्कुल ही फ्लैट, इसी कोई बात नहीं, इसी में हाँ इसी में सबसे कम थी, इसका मतलब पंचर था पहले से ही, हवा बढ़ती नहीं ज़्यादा। हाँ अभी हमने लगाया और जाते हुए हमने हवा भरवाई थी ना, इसी टायर में कम थी हमें पता, आवाज़ भी आ रही है यार कि हवा निकल रही है कहीं से, पता नहीं यार। चलो देखते हैं क्या करना है अभी भैया, मेरे को लग रहा है अगर नहीं हुआ तो यहीं पे चेंज कर देंगे, नहीं तो आगे देखते हैं उतर के। हाँ हवा भरते हैं ना। अभी हमने जस्ट खन्ना क्रॉस किया है, खन्ना क्रॉस करके लुधियाना के पीछे ही थे, यहीं पे ही काम हो गया, हमें पता नहीं लगा, भैया ड्राइव कर रहे थे पता नहीं लगा, पीछे से एक इनोवा वाला आया राजस्थान की गाड़ी थी, कह रहा भाई पंचर गया, उसी टाइम हमने रोकी गाड़ी यार। चलो देखते हैं, और यहाँ ठंड भी बहुत बढ़ रही है यार, मैं जैकेट पहन लूँ, हवा भर तो गई है। अभी हमने किसी से पूछा, उधर नीचे से बंदा जा रहा था कि पंचर वाला है, कह रहा आगे है 2 किलोमीटर पे है, 2 किलोमीटर तक तो गाड़ी खींच जाएगी, चल जाएगी वहाँ तक जाके फिर पंचर लगवाते हैं, क्या दिक्कत है। मेरे को लग रहा है ये ना एक दो दिन से ही था, पता नहीं लगा क्योंकि तभी इसी टायर में हवा कम थी जब हमने डलवाई थी लास्ट। चलो यार यहाँ पर ठंड भी बहुत बढ़ गई है एकदम से, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, सारे रास्ते कोहरा आया भाई, सारे रास्ते देखो। और मैं यही बोलूँगा रात को हम ड्राइव नहीं करेंगे, जहाँ पे रात हुई वहीं पे स्टे होगा हमारा, ठीक है, बस बने रहना वीडियो में। अभी देखते हैं हवा कितनी हुई है, अभी तो 12 ही हुई है, चलो कोई बात नहीं, टायर खड़ा तो हो गया, नहीं तो लेट ही गया था ये। मैं बोला था ना कील है, मेरे को लग ही रहा था, उंगली से फील हो गई थी मेरे को कील। बस भाई थोड़ी सी दूरी से हम आए हैं अभी यहाँ पे, मतलब 2 किलोमीटर दूरी पे भाई पंचर की दुकान थी तो यहीं पर डलवा लेते हैं, मतलब कील है, कील ने नाथ मार दिया था, और एक कील मेरे को लगता है कल परसों की डली होगी, एक को ही है ना, है
गाड़ी भी टूटी बड़ी है, पीछे से लेफ्ट साइड का काम भी हो गया, रुकना नहीं है, चलते रहना। और ठंड सच में बहुत ज्यादा हो गई है। तो अभी बस हम इसी रोड पे है, अभी लुधियाना आया नहीं है, लुधियाना की रोड पे ही है अभी हम। भाई ये इतनी सी ये कील डली हुई है, इसने नाक मार दिया था भाई टायर का, बहुत लंबी कील है यार। ओ तेरी बहुत लंबी कील है। ये था भाई अंदर, होर तो मैंने लगता नहीं कुछ होना है ना। आई सी एक भाई, इसी ने दुखी किया हुआ था इसने, ये उंगली से भी बड़ी कील है, कील भी नहीं है। चारों टायर चेक करवा दिए कि भाई देख लो कहीं दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत हो तो कर लेंगे। ये मुझे पता है ये रास्ते में नहीं हुआ, ये चंडीगढ़ से ही हो रखा था, नहीं तो ऐसे नहीं होता एकदम से। टायर ऑल गुड है यार, बढ़िया पड़े हैं टायर, ये पता नहीं कुछ हो गया होगा, कुछ दिक्कत हो जाती है जब टाइम, हो सकता है भगवान ने हमें रोका हो कि भाई अभी मत आगे जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, इसलिए अभी हो सकता है हम थोड़ी देर रुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम स्पेंड हो रहा है तो मैं इसलिए सोचता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। आ दोनों भरावों ने साडा ठीक कर दिया गड्डी, चलो खत्म निकल रहे हैं। अच्छे हो गए भाई, मैं तो सो ही गया था गाड़ी में, भैया ने ड्राइव किया है। बस पठानकोट 50 किलोमीटर रह गया यहाँ से, मेरे को लग नहीं रहा था पठानकोट पहुँच पाएंगे, लेकिन सब अच्छे हो गए। मेरे मुश्किल से 7 बजे तक लग जाए गाड़ी, बस अभी ढाबे पे रुके हैं कुछ खाने के लिए, कुछ खाते हैं और चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। यार यहाँ पर ठंड बहुत है, मेरे को लग रहा है चंडीगढ़ में कम ठंड थी, लेकिन यहाँ तो यार पूरा ही दबा के ठंड हो रखी है। टाइप के राजमा चावल मिल गए थे, बढ़िया। हम हाईएस्ट कितने से होंगे? आधा घंटा, 40 मिनट, ज़्यादा बोल दिया। नहीं आधा घंटे, आधा घंटे ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से आधा घंटे जो है। बट भाई बॉडी ना पूरी चार्ज हो गया, अब दोबारा चाहे सुला लो। देखना ये देखो रोड, तो भाई बस अभी हम रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। वैसे तो था 250-250 किलोमीटर, लेकिन हमने कहा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो बस अभी रुके हैं पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पे। भाई इस जगह पे यार इस रोड से कभी मत आना, बिल्कुल सुन सुनाटी रोड है। बस यही चीज़ दिखी है अभी मेरे को, अभी तक सिर्फ पहाड़ ही दिख रहे हैं रात को, वैसे हो सकता है व्यू अच्छा हो, लेकिन रात को कभी मत आना। हमने जम्मू वाली रोड सीधी जाना था, लेकिन ये शॉर्टकट 100 किलोमीटर कम दिखा रहा था, तो हमने यहाँ से डाल दी। और इतनी सारी टूटी हुई रोड है, सभी सारी की सारी रोड बेकार पड़ी है, आप लोग मत आना। अभी जहाँ पे हम जाएंगे, जहाँ पे स्टे करेंगे, वहाँ पे हम आपको समझा देंगे, मतलब मैं आपको समझा दूँगा कि कहाँ से हमने कट लिया था, कहाँ से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप गलती ये मत करना कभी आप आओ कश्मीर घूमने के लिए, तो ये गलती मत करना, लालच ज़्यादा ही महंगा पड़ गया हमें। तो मुश्किल से गाड़ी 30-40 की स्पीड पर चल रही है, और टाइम हो गया 10 बज गए हैं, और अभी तक हमें अनप्लान ट्रिप है, हमें पता नहीं हमें रुकना कहाँ पर है। जहाँ पर भी होटल मिलेगा या कुछ भी रुकने का बंदोबस्त होगा वहाँ पर रुकेंगे। बस अभी फुल करवा रहे हैं टैंक, फिर उसके बाद निकलते हैं। 84 रुपये लीटर है यहाँ पे, वहाँ 80 रुपये अपने, और चंडीगढ़ में 89 है। अच्छा यहाँ पे 84 है, 80 रुपये रेट है भाई। 84 रुपीज़ डीजल है यहाँ पे, 84 डीजल है भाई, सही है यार, ये तो सही है यार। 84 रुपीज़ डीजल यहाँ तो सस्ता है, मतलब यहाँ तो बहुत सस्ता है। नीचे पठानकोट में 88 था, हाँ चंडीगढ़ में 89 है, यहाँ बहुत सस्ता है भाई डीजल। अभी अपना मूड है लद्दाख का, कश्मीर तो चलो वैसे ही घूम लेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखा देंगे। लेकिन अभी भैया मिले हैं, ये पुलिस वाले हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बताया कि भाई आगे ना
अगर बाई चांस, क्योंकि 3-4 दिन में बंद होने वाला है लद्दाख, अगर बाई चांस बंद हो गया फिर सीधा 6 महीने बाद खुलेगा। हम लद्दाख चले गए और वापस आने के टाइम पे बर्फ़ पड़ गई, तो कम से कम 6 महीने तक बंद रहेगा, 6 महीने के बाद ही खुलेगा। तो भाई हम पूछ के ना, एक दो से पूछ के तभी निकलेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता यार कि अगर बंदे वहाँ पे जा रहे हैं और बंद हो गया तो वो वापस नहीं आ सकते। कुछ तो वो करते होंगे, रेस्क्यू टीम आती होगी, कुछ तो करते होंगे, बाकी पूछ के जाएंगे जैसे भी होगा। अभी हम पहुँचे हैं उधमपुर, बड़ी मुश्किल से भाई हाईवे पे पहुँचे हैं। बस ये लगा लो गाड़ी में, ये चल रहा था कि अगर हाईवे मिलेगा तो भाई चूम लेना हाईवे को। मैंने कहा दंडवत ही लगा देंगे। तो ऐसा है, बस अभी उधमपुर में आए, थोड़ी सी अंदर आके 800 मीटर की दूरी पे हमने कहा यहाँ पे रुकते हैं, नाइट से यहाँ पे करते हैं। ये होटल है, मुझे भी नहीं पता, बस जो भी पहला ऑर्डर मिला हम वहीं पर रुके हैं। और अभी एडिट भी करना है यार, जान है नहीं शरीर में इतनी, बस एडिट करके फिर सो जाऊँगा मैं। तो रस्ते में जो खाना पीना खा लिया खा लिया था, अब होटल में अगर होगा थोड़ा तो वहीं पर खा लेंगे। तो ठीक है, अभी चलते हैं अंदर, बातचीत करते हैं सारी की सारी। टाइम हो गया 11:05, 11 बज गए हमारे को। इतना बड़ा घड़ियाल मैं तो बोल देते हैं भाई। ये है रूम ऐसा, मैंने कहा भाई बस सोना ही है, ठीक है आज के लिए। तो भाई सही है भाई, चलो पहले एडिटिंग करते हैं, फिर कुछ पहले खाना खाते हैं भाई, खाना वगैरह का ठीक है ना भाई, पहले खाना वगैरह खाएंगे उसके बाद एडिटिंग करेंगे, फिर सो जाएंगे, बस सुबह उठेंगे अब तो। तो मैं आ गया हूँ अपने होटल में, रूम में। इस होटल का नाम है चाणक्य, चाणक्य होटल में आया हूँ अभी। उस रात को रूम मिल गया है, इन्होंने बोला खाना वगैरह भी, बस वो भी हो गया था हमारा आज यार। बस शरीर टूट सा गया है, सुबह जैसे निकले आपने देखा ही है, गाड़ी पीछे से लेफ्ट साइड से बिल्कुल टूटी हुई थी। उसके बाद थोड़ी सी आगे चले, गाड़ी का पंचर वो भी ख़राब हो गया। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, जो हमने 15-20 मिनट वहाँ पर लगाए ना पंचर वाले, उस पर आगे जाके हमने देखा गाड़ी भी एक एक्सीडेंट हो रखा था गाड़ी का, बहुत गंदे तरीके से, बिल्कुल गाड़ी एक के बीच में एक ऐसे लगी हुई थी बहुत गंदी तरह से। आज तो मतलब सारा दिन ऐसे निकला, एक टोल पे गए वहाँ पे भी थोड़ी लड़ाई झड़प सी चल रही थी, तो बस उसके बाद ऐसे निकला। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जो हो गया, क्या पता है अभी आगे थोड़ा अच्छा हो। और जैसे ही हम जम्मू के लिए आगे जा रहे थे, सीधी रोड जम्मू के लिए जा रही थी, पठानकोट से डायरेक्ट सीधा जम्मू के लिए जाते हैं, आपने भी देखा होगा अगर आप भी कोई आया होगा तो। भाई हुआ क्या, हमने सीधा की जगह ना मैप ने शॉर्टकट दिखाया 100 किलोमीटर शॉर्टकट, तो हमने क्या किया, हमने वो शॉर्टकट ले लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, तो हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया, यहाँ से ये सीधी रोड, यहाँ से पठानकोट से हम पहुँचे थे, यहाँ से आए आगे चलते हुए और यहाँ से पहुँचे सीधा यहाँ तक। यहाँ तक पहुँचने के बाद ना ये डायरेक्ट सीधा जम्मू जा रही है ये रोड, आप देखोगे ये रहा जम्मू, यहाँ पे जम्मू है और हमने जाना था श्रीनगर यहाँ पे। और हमने यहाँ पे 100 किलोमीटर हमारा बच जाएगा मोटा मोटा, तो हमने यहाँ से शॉर्टकट ले लिया। भाई शॉर्टकट लिया, इतनी गंदी रूट था ना ये, इतना गंदा, मतलब मैं आपको सच में समझा नहीं सकता कि कैसा रोड था, बहुत ही बेकार रूट था। तो यार बहुत ही गंदा हुआ ये, चलते चलते इसने हमारा इतना वेस्ट किया ना टाइम, बहुत वेस्ट किया इसने टाइम। और यार 3 घंटे से हम उसी रूट पे रहे हैं, बंदा इक्का दुक्का बंदा दिख रहा था, कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने कहा भगवान का नाम लेके बस चलते रहे। आपको ये समझाना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, YouTube का एक सहारा है, आप देख सकते हो, देख के सीख ले सकते हो दूसरे की गलती से। तो आप कभी भी ये गलती मत करना, हमेशा जम्मू वाला ही रोड पकड़ना, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि यार दिक्कत हो जाती है कभी कभी, कोई शॉर्टकट लेता है जल्दी जाने के चक्कर में, लेकिन नहीं, 30-40 के ऊपर आपकी स्पीड नहीं होगी गाड़ी की और बहुत धीरे से चलेगी गाड़ी। और बस जैसे ही हम निकले हैं हाईवे पे पहुंचे हैं, बस धन्यवाद किया ऊपर वाले का। उधमपुर जैसे ही हम पहुंचे, जो ही पहला होटल मिला सर्च किया नेट पे, नेट भी नहीं चलता यहाँ पे सच, ये भी मैं आपको बता दूँ, प्रीपेड कोई नंबर नहीं चलेगा, पठानकोट के कुछ किलोमीटर बाद ही सारे नंबर बंद हो जाते हैं, सिर्फ पोस्टपेड चलते हैं नंबर और कोई नहीं चलता। और उसके बाद बस उधमपुर में पहुंच के जो भी नियर बाय उसके होटल था वो लिया हमने। 800 किलोमीटर अंदर आए हैं वहाँ पे, ये चाणक्य होटल में बैठ के इस रूम में, 201 नंबर रूम है, इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यार वीडियो थोड़ी सी लंबी होंगी अब मेरी, क्योंकि सीरीज़ आ रही है ये जो है लद्दाख की सीरीज़, मेरा बहुत दिल है लद्दाख जाने का, तो आप प्रे करना भगवान से कि लद्दाख में बर्फ ना पड़े, ठीक है, आशीर्वाद यार रखना पूरा। मैं निकला हूँ सफ़र पे, और आगे आगे और भी बढ़िया बढ़िया सफ़र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ यार, सब्सक्राइब तो अब ऐसे कर दो कि मेरे जाने तक ना मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मोनेटाइज हो जाए, जब मैं चंडीगढ़ पहुंचूं चैनल मोनेटाइज हो जाए, ऐसा कर दो। तो फैलाओ जितना हो सकता है, अपने दोस्तों को दिखाओ यार, आस पड़ोस में सबको दिखाओ।
तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अच्छी सी सीरीज आ रही है, लद्दाख की सीरीज चल रही है, लद्दाख की सीरीज के सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। ये सफर है यार, सफर चलता रहेगा। केड़ी कितियां कमाइयां, हाँ कमाइयां।